सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस यार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइनक्राफ्ट में नेदर के बायोम्स के बारे में एक जानकारी जो कि है बड़ी ही दिलचस्प, क्योंकि मैं सबसे हार्ड और इजी बायोम बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो आज की सभा शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि सबसे इजी वाली बायोम कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप अगर नेदर में कहीं पर भी देखेंगे तो आपको हर जगह हॉस्टल मॉब्स दिख ही जाएंगे। नेदर में कहीं पर भी पीसफुल घूम नहीं सकते, लेकिन नेदर में एक बायोम है जिसका नाम है वार्ब्ड फॉरेस्ट। ये बायोम बहुत ही अच्छी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ एंडरमैन को छोड़कर और कोई हॉस्टल मॉब्स नहीं स्पॉन होते। और भाई एंडरमैन भी जब हम उसे देखते हैं या मतलब घूरते हैं कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तभी वह हम पर अटैक करता है। ऐसे हम सेफ ही हैं उस बायोम में, इसलिए ये वाली जो बायोम सबसे सेफ मानी जाती है पूरे नेदर की। तो यार ये एक अनोखी बायोम है। वैसे नेदर तो पहले से ही कठिन है कुछ प्लेयर्स के लिए, लेकिन जो नेदर में जाते रहते हैं उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं रह जाता। मैं आपको आगे कुछ ऐसे ही बायोम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें जाकर हर प्लेयर वापस नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम नाम आता है बेसाल्ट डेल्टास बायोम का। ये नेदर की सबसे ख़तरनाक बायोम में है, इसका नंबर फर्स्ट नंबर पर आता है। अब आप पूछोगे कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है। तो यार ये बायोम मैग्मा क्यूब से भरी रहती है पूरे टाइम। हर जगह मैग्मा क्यूब ही आपको भरे दिखे पड़ेंगे, क्योंकि ये हर जगह दिखाई देते हैं और हर जगह स्पॉन हो जाते हैं। और इस बायोम को खास बनाता है यहाँ के जो लावा पुल होते हैं, पुल नहीं कहेंगे, जो हर तीन चार ब्लॉक के बीच में एक लावा का गड्ढा भरा हुआ रहता है। अगर आप उसमें टच हुए या फिर उसके अंदर गिर चुके हैं तो यार आप जानते होंगे कि किस तरीके की चोट हमें लगती है, क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद शायद अगर तीन चार ब्लॉकों नीचे घेरा रहा तो वापस आना तो मुश्किल ही होता है ना। तो सबसे ख़तरनाक ये भी चीज़ है, अगर आप गलती से गिर गए तो शायद ही बच पाओगे यहाँ पे जाने के बाद। अगर आप इस बायोम में जा रहे हैं तो कम से कम आपको एक फायर रेजिस्टेंस पोशन लेकर जाना चाहिए, और एक आपको पूरा आयरन आर्मर भी पहन लेना चाहिए, और अपने सारे टूल्स रखना चाहिए, और ख़ास करके एक बो और एक उसमें एक स्टैक एरोस कम से कम, क्योंकि मैग्मा क्यूब्स को मारने के लिए यही तो काम आएंगे दूर से वो भी। तो यार अब हम बात करने वाले हैं क्रिम्सन फॉरेस्ट की। ये दूसरे नंबर पर आता है खतरनाक बायोम के मामले में। यहाँ पर पिगलिन हर जगह स्पॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिगलिन्स का राज चलता है भाई। अगर आपने गोल्ड का कोई भी आर्मर नहीं पहन रखा है तो यह आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पिगलिन्स आपको देख के कभी भी आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और किसी ने गोल्ड नहीं पहन के रखा होता है तो ये उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। और अब हम इस बार हम के दूसरे खतरनाक प्राणी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है होगलिन। ये भी हमेशा दो तीन के ग्रुप में चलते हैं और आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि एक पिग के सरी के दिखते हैं जो आपके ऊपर हमला करके आपको मार सकते हैं। तो इनसे ही बच के आपको चलना पड़ेगा अगर आपको इस बायोम में घूमना फिरना है। तो अब हम बात करने वाले हैं सोल एंड वैली बायोम के बारे में। ये भी सब की तरह खतरनाक बायोम की लिस्ट में थर्ड नंबर पर आती है। ये बायोम पूरी सोल सेंट से भरी पड़ी है। अगर आपको नहीं पता कि सोल सेंट क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। सोल सेंट आपके चलने की स्पीड को बहुत कम कर देता है, और इस बायोम में घास और स्केलेटन मिल जाएंगे आपकी जान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का राज चलता है। और अगर आप सोल सेंट में लगी फायर से अगर टच होते हैं तो आपको दो गुना ज़्यादा डैमेज पड़ता है जो नॉर्मल फायर होती है उसके मुकाबले। अगर आपने कोई आर्मर नहीं पहन रखा है तो इस बायोम में आपकी डेथ ज़्यादा जल्दी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ एक खास चीज़ भी मिल सकती है जिसका नाम बोन ब्लॉक है। आप इसकी मदद से क्रॉप्स ट्रीज इतनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं जितना जल्दी आपका एक घर नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें बोन मिल की वजह से आप ट्रीज को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जिसका प्रयोग मैंने भी अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में किया है। अब हम बात करते हैं नेदर वेस्ट के बारे में। ये भी आपको मोस्ट डेंजरस बायोम की लिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन ये फोर्थ नंबर पर है, और जहाँ तक मेरा मानना है ये इतनी खतरनाक है भी नहीं, क्योंकि एकदम नॉर्मल बायोम की तरह रहती है, इसमें कुछ खास इतना होता नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर खतरनाक इस लिस्ट में इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लावा सीज देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये इस बायोम को खतरनाक। कौन सा आप सीधा जाकर लावा में स्विमिंग करने वाले हैं, लेकिन बस यहाँ पर जोमी वेट पिगलिन है जो आपको लावा में स्विमिंग करा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई कैसे। तो यार ये मार मार के आपको लावा के पास लेके जाएंगे, वहाँ ले जाकर धक्का दे देंगे, तो आप सीधे लावा में जाओगे ना स्विमिंग करने। यार अगर आप गलती से लावा में गिर जाते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फायर रेजिस्टेंस पोशन लेके जाते हैं अपने साथ में तो वो पी के आप काम चला सकते हैं एक बार, लेकिन अगर आपके पास वो ख़त्म हो चुका है तो फिर चिंता की ज़रूरत है। सो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।